नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काटा पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले पार्ट में पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र, और जो तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया था, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, जिससे वहाँ पर आपको लिंक दे रखा है, उससे आप हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF वगैरह मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए अंतःस्रावी तंत्र। ये अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम ये चर्चा करेंगे अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, है ना। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ने के बाद हम इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का समूह है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का समूह है अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। यानी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपस में मिल जाती हैं और किसका निर्माण कर देती हैं, अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण कर देती हैं। तो हमें अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ने के लिए किसको पढ़ना पड़ेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना पड़ेगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपना रस है ना, वो सीधे ही क्या करती हैं, अपने रक्त में छोड़ती हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस सीधे ही रक्त में छोड़ देती हैं, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ये बात आप अच्छे से याद रखोगे कि यानी जो ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस सीधे ही कहां पर छोड़ती हैं, जो अपना रस सीधे ही रक्त में छोड़ देती हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस सीधे ही कहां दे देती हैं, सीधे का सीधा कहां दे देती हैं, रक्त में दे देती हैं, उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इन ग्रंथियों को एक बात और लिखोगे, इन ग्रंथियों को अपने रस का श्रावण करने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती, नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखोगे।
यानी ये जो ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन ग्रंथियों को किसी अपना रस छोड़ने के लिए, इन ग्रंथियों को अपना रस छोड़ने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती। ये अपना रस सीधे ही किस में छोड़ देती हैं? रक्त में छोड़ देती हैं। इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिकाविहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्टार्ट किया था हमने अंतःस्रावी तंत्र को। अंतःस्रावी तंत्र किसे कहा जाता है? बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अंतःस्रावी ग्रंथियों को। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस है वो सीधे कहां छोड़ देती हैं? खून में छोड़ देती हैं, रक्त में छोड़ देती हैं। उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और इन ग्रंथियों को अपने रस का श्रावण करने के लिए, इन ग्रंथियों को अपना रस छोड़ने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से रहेगी अच्छे से बात याद, मुझे पता है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको ध्यान रखनी थी और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम चर्चा करेंगे ये ग्रंथियां कितनी होती हैं, ये ग्रंथियां कितनी होती हैं इसकी चर्चा करते हैं। ये ग्रंथियां कितनी होती हैं इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना है आपको अच्छे से। अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उनकी चर्चा करते हैं और उनको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि ये कई होती हैं, कई प्रकार की होती हैं ये। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि, एक नंबर आएगी पीयूष ग्रंथि, है ना। दो नंबर आएगी हाइपोथैलेमस। तीन नंबर आएगी पीनियल एड्रिनल अधिव्रक, है ना, अधिव्रक। छः नंबर अगर चर्चा करें तो बात आ जाती है किसकी? छः नंबर अगर चर्चा करते हैं तो बात आ जाती है पैराथायराइड, थाइमस, अंडाशय, वर्षण। इस प्रकार से ये लगभग 9 ग्रंथियाँ हैं। कितनी ग्रंथियाँ हैं? 9 ग्रंथियाँ। इन 9 ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको? पीयूष ग्रंथि को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीयूष ग्रंथि को। कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है और अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों का समूह होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है इसकी स्थिति की ध्यान रखनी है आपको कि ये कहां पर स्थित होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में। हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसमें क्या होती है? ये ग्रंथि स्थित होती है, हमारे ब्रेन में स्थित होती है, मस्तिष्क के अंदर। बात करते हैं इसका आकार कैसा होता है। आकार की चर्चा करते हैं तो मटर के दाने जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है। जिस प्रकार से मटर का दाना होता है उसी आकार की क्या होती है? ये ग्रंथि होती है। ये बात आपको याद रखनी है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या काम करता है। तो आप समझोगे इस ग्रंथि से निकलने वाला पिट्यूटराइन हार्मोन अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। मैंने क्या बताया? ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से जो निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या करता है? अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर
नियंत्रण रखता है, अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। भी जैसे स्कूल में एक मास्टर होता है वो सभी बच्चों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार से ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन? पिट्यूटरी हार्मोन। इस ग्रंथि से जो पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है वो सभी ग्रंथियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, अपना कंट्रोल रखता है, इसीलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या करता है? अपना नियंत्रण रखता है। क्या करता है? अपना नियंत्रण रखता है। इसलिए इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी अच्छे से, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब ये ग्रंथि कितने भागों में विभक्त होती है ये बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो ग्रंथि होती है इससे दो भागों में बांटा गया है। इसके भाग कितने होते हैं? दो होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक और दो, दो भाग होते हैं। और पहले भाग का क्या नाम है वो आपको ध्यान रखना है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब इसके दो भाग होते हैं, ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये दो भागों में बंटी होती है। अगर चर्चा करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस की, तो एडिनोहाइपोफाइसिस को अग्रपीयूष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रपीयूष। इसे अग्रपीयूष भी कहते हैं, और इसे कहते हैं पसच पीयूष कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो अच्छे से भाई। अग्र पीयूष का मतलब क्या हो गया? आगे का पीयूष भाग। और पसच पीयूष का मतलब क्या हो गया? पीछे का पीयूष भाग। आई बात समझ में? अग्र पीयूष का मतलब आगे का पीयूष भाग, और पसच पीयूष का मतलब पीछे का पीयूष भाग, पीछे वाला भाग। मतलब ये मान लो हमारी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इसको दो भागों में बांट दिया, इसको नाम दे दिया एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको नाम दे दिया न्यूरोहाइपोफाइसिस, अग्र और पसच। ये बातें आपको ध्यान रखनी, इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको पीयूष ग्रंथि की स्थिति बताई है। इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। आकार मटर के दाने जैसा होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी हार्मोन, वो अन्य सभी ग्रंथियों पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है। इसलिए इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है? और ये कितने भागों में बंटी होती है? दो भागों में। कौन कौन से? एडिनोहाइपोफाइसिस को अग्रपीयूष भी कहते हैं, और दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? पसच पीयूष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पसच पीयूष भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब ये जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि पिट्यूटरी हार्मोन तो छोड़ती है, इसके साथ साथ कुछ हार्मोन और भी छोड़ती है, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आप याद रखोगे कि पिट्यूटरी के अलावा, या फिर आप हेडिंग लगा सकते हो अन्य हार्मोन। भी एक हार्मोन तो हमने पढ़ लिया, कौन सा हार्मोन छोड़ती है? पिट्यूटरी हार्मोन छोड़ती है, अभी पढ़ा था हमने। लेकिन इस पिट्यूटरी हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन कौन कौन से छोड़ती है वो भी आपको ध्यान रखना है, तो पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन के रूप में एक छोड़ती है वृद्धि हार्मोन। क्या छोड़ती है? वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन की अगर चर्चा करते हैं तो कौन सा? सोमेटोट्रोपिन। कौन सा छोड़ती है? सोमेटोट्रोपिन। ये बात आप याद रखोगे कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अन्य हार्मोन के रूप में क्या छोड़ती है? एक वृद्धि हार्मोन छोड़ती है, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का मतलब होता है कि शरीर की क्या करता है? वृद्धि में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि लंबाई में सहायक कौन होता है? यही सोमेटोट्रोपिन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कौन छोड़ती है? यही ग्रंथि छोड़ती है, पीयूष ग्रंथि। थायराइड प्रेरक हार्मोन का मतलब क्या होता है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि को प्रेरणा देने वाला जो हार्मोन होता है वो भी कौन छोड़ती है?
यही पीयूष ग्रंथि छोड़ती है। इसके साथ साथ आप याद रखोगे प्रोलेक्टिन नाम का हार्मोन भी छोड़ती है, प्रोलेक्टिन नाम का जो हार्मोन है वो भी कौन छोड़ती है, यही ग्रंथि छोड़ती है। इसके साथ साथ आप और भी ध्यान रखोगे जैसे ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन ये सभी हार्मोन का नाम है, ये सभी हार्मोनों के नाम है जो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं। किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा छोड़े जाते हैं। अब अगर पीयूष ग्रंथि से ये जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटराइन हार्मोन या हार्मोनों की कमी हो जाए, ये जो ग्रंथि छोड़ती है, ये जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है, उन हार्मोनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उन हार्मोनों की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति बोना रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वो व्यक्ति बोना रह जाएगा। व्यक्ति में क्या जाएगा, बोनापन आ जाएगा। मतलब क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन छोड़ती है वो सबसे ज़्यादा हावी होता है पिट्यूटराइन के बाद, पहले पिट्यूटराइन हावी होता है। पिट्यूटराइन तो सभी के ऊपर नियंत्रण रखता है लेकिन सोमेटोट्रोपिन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। अगर कमी आ जाती है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति बोना रह जाता है, बिल्कुल नीचा सा रह जाता है। अगर अधिकता हो जाती है तो अधिकता होने पर क्या होगा, अधिकता होने पर महाकायता आ जाएगी। महाकायता का मतलब शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर दानवाकार हो जाएगा। शरीर कैसा हो जाएगा, दानवाकार हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी पीयूष ग्रंथि के बारे में। उम्मीद करता हूँ पीयूष ग्रंथि आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, फिर मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इसको नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्यों कहते हैं, उसके बाद बात आती है कि भाई कौन कौन सी होती हैं, और सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी है, पीयूष ग्रंथि पढ़ी है, और पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, आकार कैसा होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या काम करता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब ये तो थी पीयूष ग्रंथि, अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा करते हैं। दो नंबर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि की चर्चा करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो क्या करती है, ये बात आपको समझनी है। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो होता क्या है दोस्तों, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क मैंने आपको पढ़ाया था, अग्र मस्तिष्क को डाइएनसेफेलॉन भी बोलते हैं, डाइएनसेफेलॉन भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना डाइएनसेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क का आधार भाग जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। जब मैंने आपको अग्र मस्तिष्क पढ़ाया था तब मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था, अगर आपको याद है तो, पढ़ाया था ना मैंने, बिल्कुल पढ़ाया था। तो वही ये अग्र मस्तिष्क का भाग है जो ग्रंथि के रूप में भी काम करता है, जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। और ये अग्र मस्तिष्क मतलब डाइएनसेफेलॉन का क्या होता है, आधार भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब पीयूष ग्रंथि द्वारा श्रावित हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। ये बात कहीं ना कहीं आप याद रखोगे कि जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो श्रावित होने वाला जो हार्मोन है, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अभी मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि से जो पिट्यूटराइन हार्मोन निकलता है वो हार्मोन सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। लेकिन इसके ऊपर भी तो कोई ना कोई नियंत्रण रखेगा, तो इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल में जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, वो तो क्या करता है, बच्चों पर नियंत्रण रखता है। और उन टीचरों के ऊपर नियंत्रण किसका होता है, उन टीचरों के ऊपर नियंत्रण होता है किसका, हेडमास्टर यानी हाइपोथैलेमस का। इसी प्रकार से इस पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है पिट्यूटराइन हार्मोन, वो तो क्या करेगा, वो तो सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखेगा। और इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। ये बात आप अच्छे से याद रखोगे,
ठीक है, बिल्कुल रहेगी याद। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये दो प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, कौन कौन से वो हमें पढ़ना है, यानी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, हार्मोन स्रावित करता है, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। अब वो दो प्रकार के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है, पहला होता है जो हमारा मोचक हार्मोन, पहले को बोलते हैं मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन। अब ये मोचक हार्मोन है क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये मोचक हार्मोन है क्या इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को आप, मोचक हार्मोन किसे कहते हैं, यानी ऐसा हार्मोन, वह हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के श्रावण को प्रेरित करता है, यानी ऐसा हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के श्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि के श्रावण को प्रेरित करने का मतलब क्या है कि मान लो पीयूष ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है, अब पीयूष ग्रंथि के ऊपर किसका मतलब अधिकार होता है, इस हाइपोथैलेमस का अधिकार होता है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन छोड़ेगा जिसको बोलते हैं मोचक हार्मोन। तो ये जो मोचक हार्मोन क्या करेगा, उस पीयूष ग्रंथि को कहेगा कि तेरे को हार्मोन छोड़ने हैं, तेरे को हार्मोन क्या करने हैं, छोड़ने हैं, यानी पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है हार्मोन छोड़ने के लिए, कौन, ये मोचक हार्मोन, जो किसके द्वारा, किस से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, ठीक है। अब इसने मान लो मोचक हार्मोन ने क्या करवा दिया, हार्मोनों को छुटवा दिया, कहां से, पीयूष ग्रंथि से। लेकिन दूसरा एक हार्मोन और होता है जिसको बोलते हैं निरोधी हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा इसके बारे में समझना है, यानी ये जो है ना, ये विरोध करेगा किसका, इस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों का, भाई इसने तो छुटवा दिया हार्मोन, भाई तू छोड़ हार्मोन। लेकिन ये आएगा, ये जब उसको जरूरी पड़ेगी ना, मान लो इसने बहुत सारा हार्मोन छोड़ दिया लेकिन फिर ये आगे कहेगा कि आपको इतना नहीं छोड़ना है, बंद कर दे, ये तो छुटवाता है और ये बंद करता है, है ना, ये पहले छुटवा देता है, 15-20 मिनट के बाद विरोधी हार्मोन आता, आगे कहता है तू बंद कर, अब आपको नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि के श्रावण को रोकता है। पीयूष ग्रंथि के श्रावण को रोकने का काम किसका होता है, इस निरोधी हार्मोन का होता है, किसका होता है, निरोधी हार्मोन का होता है, या फिर विरोधी हार्मोन का होता है, है ना। तो पीयूष ग्रंथि को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है मोचक हार्मोन, और ये जो निरोधी हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन न छोड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि भी आपको नहीं छोड़ना है, या इतना ही छोड़ना है, है ना, इतना ही छोड़ना है। ये बात थी किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट जो ग्रंथि उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब हम चर्चा करते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में, पीनियल ग्रंथि क्या है, कहाँ स्थित होती है, सारी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना आपको अच्छे से। देखिए पीनियल ग्रंथि, तीन नंबर आप हेडिंग लगाओगे पीनियल ग्रंथि। अगर पीनियल ग्रंथि की चर्चा करें तो पीनियल ग्रंथि है क्या, ध्यान से समझना है पीनियल ग्रंथि क्या है। मतलब जो पीनियल ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित होती है, पीनियल ग्रंथि की स्थिति की अगर चर्चा करते हैं तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में। तीन ग्रंथियाँ होती हैं, एक होती है पीयूष, दूसरी होती है हाइपोथैलेमस तो अपने आप में एक मस्तिष्क ही है, मस्तिष्क का भाग ही है एक प्रकार का, और तीसरी होती है पीनियल ग्रंथि, जो कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में होती है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, इसका जो आकार होता है वो चावल के दाने जैसा होता है, कैसा होता है, चावल के दाने जैसा। इसका क्या होता है, आकार होता है। अभी हमने पढ़ा था मटर के दाने जैसा आकार किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का, और पीनियल ग्रंथि का कैसा होता है, चावल के दाने जैसा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चावल के दाने जैसा इसका आकार होता है,
रख लोगे बात याद अच्छे से? बिल्कुल रख लोगे अच्छे से। चलिए इसके बाद बात करते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में कि पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है उसकी चर्चा करते हैं। तो पीनियल ग्रंथि जो हार्मोन छोड़ती है उस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? मिलेटोनिन हार्मोन छोड़ती है। और ये मिलेटोनिन हार्मोन क्या कार्य करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या होता है? जो मिलेटोनिन हार्मोन होता है वो सोने व जागने की दर को नियंत्रित करता है, सोने व जागने की दर को नियंत्रित करता है, जागने की दर को नियंत्रित। भाई हम कितना सोएंगे, कब जागेंगे, कब सोएंगे, हमें नींद आना, जाग आना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इस मिलेटोनिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। यही हमें नींद दिलाता है और यही हमें टाइम पर जगाता है। तो सोने और जागने की जो दर होती है उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? मिलेटोनिन हार्मोन का होता है। किसका होता है? मिलेटोनिन का काम होता है। आकार चावल के दाने जैसा होता है पीनियल ग्रंथि का। स्थिति कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है पीनियल ग्रंथि के बारे में, याद रहेगी अच्छे से, बिल्कुल रहेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट जो ग्रंथि उसका नाम है थायराइड ग्रंथि, चार नंबर ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, बिल्कुल ले लिया। अब हम चर्चा करते हैं चार नंबर थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? थायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या है थायराइड ग्रंथि? चार नंबर देखिए, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगर थायराइड ग्रंथि की चर्चा करते हैं तो थायराइड ग्रंथि सबसे पहले कहां पर स्थित होती है? स्थिति की बात करते हैं, इसकी स्थिति कहां पर है? अगर स्थिति की चर्चा करते हैं तो ये हमारे गले में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? गले में। ये गले में स्थित होती है और दिखने में कैसी होती है? इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है तितली के आकार जैसा। कैसा होता है? तितली के जैसा। तितली आपने देखी होगी, तितली, तितली के जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है। तितली के जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तितली के जैसा, ठीक है। मतलब इसकी जो थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वो तितली के जैसा होता है, दिखने में तितली के जैसी होती है, इस प्रकार से होती है दिखने में, इस प्रकार से, ठीक है, तितली के आकार की, गले के अंदर स्थित होती है। अब ये क्या करती है? इसका दूसरा नाम, इसे अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, अवटु ग्रंथि। दूसरा नाम क्या इसका? अवटु ग्रंथि। याद रहेगी ये भी बात, बिल्कुल रहेगी अच्छे से, अवटु ग्रंथि, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ये थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता कब है? इसके निर्माण के लिए, निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। भाई थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है वो थायरोक्सिन हार्मोन कब बनेगा? जब हमारे शरीर में आयोडीन होगा, यानी जब इस थायराइड ग्रंथि को, जब इस थायराइड ग्रंथि को ये आयोडीन मिलता है ना, तभी ये क्या बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। कहने का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? अब देखो, मान लो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, क्या हो गई? आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? भाई हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना है तो क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनने पर जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि ये फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। और इस रोग को कहा जाता है, इस रोग को कहा जाता है गलगंठ। क्या कहा जाता है? गलगंठ या फिर गाइटर, गलगंठ, गाइटर या फिर इसे घेंगा, दूसरा नाम क्या होता है? घेंगा। इसे कौन सा रोग कहा जाता है? घेंगा रोग कहा जाता है। तो मैंने आपको दो तीन बात बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि की स्थिति कहां पर होती है, थायराइड ग्रंथि हमारी गले में स्थित होती है। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। उपनाम क्या है? अवटु ग्रंथि। आकार कैसा होता है? तितली के आकार जैसा।
अब हार्मोन या थायरोक्सिन छोड़ती है, लेकिन हार्मोन छोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी इसको? आयोडीन की। अब मान लो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन की कमी होने पर क्या नहीं बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और फूल जाएगी तो उस रोग को क्या बोलते हैं? घेंगा, गलगंठ या फिर गाइट रोग बोलते हैं। यानी ये फूलने के बाद हमारा गला क्या हो जाता है? हमारे गले में सूजन आ जाती है और नीचे लटक जाता है, उस रोग को कहा जाता है गलगंठ गाइटर या फिर घेंगा रोग। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा थायराइड ग्रंथि का। इससे आगे है वो हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, आज के इस पार्ट में हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो करवाया वो समझ में आया होगा। वैसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है आज, पढ़ाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने क्लास लेनी जरूरी समझी, क्योंकि अगर एक दिन क्लास मिस हो जाएगी तो आप सोचोगे क्लास नहीं आई, वो नहीं आई, इसलिए मैंने आपको क्लास देना जरूरी समझा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान काड्डा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू सभी को, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।